हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि गूगल एडसेंस बैंक में पैसे किस तरीके से भेजता है। अक्सर देखा जाए तो जो है ना, जिनका पहला पेमेंट आता है गूगल एडसेंस से, तो ऑब्वियसली हर किसी को बहुत खुशी होती है। लेकिन उसके साथ साथ कई सारी दिक्कतें भी होती हैं, जो उस समय पे एक एक पल किस तरीके से गुजरता है वो हर यूट्यूबर जानता है, हर वो इंसान जानता है जो ऑनलाइन अर्निंग करना चाहता है और अपनी पहली कमाई जब आने का रहता है तो वो एक एक पल यानी कि बहुत घंटों भर का लगता है। और जब नहीं आया रहता है तब तक, जब तक यानी कि अपने अकाउंट में नहीं आ जाता तब तक सुकून नहीं मिलता। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं गूगल एडसेंस के वो सारी बातें जो आपको जानना जरूरी है अगर आप करना चाहते हैं ऑनलाइन अर्निंग। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, आपको पता होगा कि आप चाहे यूट्यूबर हो या तो फिर एंड्रॉइड ऐप बनाते हो या फिर वेबसाइट क्रिएटर हो, तो आपको सबसे पहले जो है गूगल एडसेंस के लिए अप्रूव करवाना पड़ता है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ। तो जब अप्रूव हो जाता है उसके बाद आपको पता होगा, अगर आप यूट्यूब से कर रहे हैं तो 10,000 व्यूज जब आपके हो जाते हैं तो आपकी अर्निंग शुरू होती है। उसके बाद आपके चाहे जहां पर भी हो, चाहे वो वेबसाइट का हो या तो फिर एंड्रॉइड ऐप का, चाहे तो फिर यूट्यूब का, जब आपके गूगल एडसेंस में $10 हो जाते हैं तब फिर आपको जो है एक घर पे एक मेल आता है, एक डाक आता है, जिसको आपको एक पिन वेरिफिकेशन रहता है, वो पिन वेरीफाई करना पड़ता है। उसका वीडियो मैंने बना रखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे देख सकते हैं या तो फिर इस आई बटन पे भी क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं कि गूगल एडसेंस एड्रेस पिन वेरिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है। तो दोस्तों, $10 जो होता है वो आपकी डेली रेगुलर वो अर्निंग नहीं, हर महीने जो है, जैसे मान लीजिए कि अक्टूबर 1 से 30 तारीख तक का जो अर्निंग टोटल अर्निंग होगा वो आपके 10 से 15 तारीख के बीच अगले महीने नवंबर में आपके एडसेंस में ऐड कर दिए जाते हैं। तो होम पेज में जब आपके एडसेंस में ऐड हो जाएगा तो वहां पर जब $10 हो जाते हैं तब वो पिन वेरिफिकेशन का आपको मेल आता है। तो फ्रेंड्स, यह है मेरा गूगल एडसेंस का डैशबोर्ड। आप देख सकते हैं यहाँ पर होम पेज में आपको यहाँ बैलेंस दिखा रहा है। तो ये बैलेंस जो है मेरा एंड्रॉइड ऐप का है जो कि 1 तारीख को ही ऐड हो जाता है। अभी मेरा यूट्यूब का यहाँ पर अर्निंग ऐड होना बाकी है जो कि 10 से 15 तारीख के बीच में ऐड होता है। तो यहाँ पर जब आपके $10 हो जाते हैं तब आपको पिन वेरिफिकेशन के लिए एक कोरियर द्वारा आपके पास एक लेटर आता है जिसको आपको जो है एड्रेस वेरिफिकेशन करना रहता है। और उसके बाद साथ ही साथ आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए आता है। तो यहाँ पर आप व्यू पेमेंट में जाएंगे तो आपको यहाँ पर जो है इस तरीके से पेमेंट ये दिखा देगा कि कितना परसेंटेज है। तो जैसे कि मेरा ये एंड्रॉइड ऐप का $72 है तो 72% अभी यूट्यूब का आ जाएगा तो यहाँ पर 100 से ऊपर हो जाएगा। तो मेरा $100 से जैसे ही ऊपर होगा तो मेरे को जो है 21 तारीख को इस महीने पेमेंट का मेल आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं हाउ यू गेट पेड। तो यहाँ पर लिखा है वायर ट्रांसफ़र टू बैंक अकाउंट 5958 जो भी है। तो आपका जो भी बैंक अकाउंट आपने ऐड किया होगा तो यहाँ पर ये दिखाएगा। तो आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट उसके बाद ऐड करना है। जैसा कि मैंने यहाँ पर ऐड कर रखा है तो आपको यहाँ पर जो है ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर मैनेज पेमेंट मेथड्स यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको जो है एक नया पेज ओपन होगा जहाँ पर आपको आपका बैंक अकाउंट ऐड करना रहेगा। मैंने यहाँ पर पहले से एक बैंक अकाउंट ऐड कर रखा है। आपको इस तरीके से ऐड पेमेंट मेथड ये इस जो दूसरा ऑप्शन आ रहा है इस तरीके से आएगा जहाँ पर आप क्लिक करके यहाँ पर बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है आपका नाम, उसके बाद बैंक अकाउंट का नाम, बैंक का नाम, आईएफएससी कोड वगैरह ये सारी चीज़ें डालनी रहती हैं, फिर सेव कर देना रहता है। फिर गूगल एडसेंस ऑटोमेटिकली जो है उसे वेरीफाई कर देता है। आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो आईएफएससी कोड और स्विफ्ट कोड ये ज़रूर जो है कन्फर्म अच्छे तरीके से सही डालिएगा। इसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है जिसे आप आई कार्ड से देख सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसको दे दूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से जो है ऐड हो जाता है। फिर उसके बाद जो है जब आपके पेमेंट हो जाती हैं, आपके बैंक अकाउंट में आ जाते हैं, तो आप उसे जो है यहाँ से देख सकते हैं व्यू ट्रांजैक्शन।
तो यहाँ से आप जो है अपने सारे ट्रांजैक्शन देख सकते हैं कि कब कब आपको एडसेंस के द्वारा पेमेंट भेजा गया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ से आप अपने जो है रिसीप भी निकाल सकते हैं, जैसा कि ये दिया है, ये 21 अक्टूबर को जो आया था मेरे पास उसका, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से आप रिसीप भी इसका ले सकते हैं। और एक ज़रूरी जानने वाली बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर जैसे $145 बता रहा है, तो आपको इतना नहीं नहीं मिलेगा। आप उस टाइम पे अगर हिसाब लगाएंगे, इसको डॉलर से रुपए में कन्वर्ट करेंगे, तो उसमें से 150 या 200 रुपए कुछ ऐसा कम आता है जो कि आपको डॉलर से रुपए में कन्वर्ट करने के लिए आपके बैंक चार्जेस लेती है। आप इसके लिए पता कर सकते हैं पहले से ही कि आपके बैंक कितना चार्ज लेती है डॉलर से रुपए में कन्वर्ट करने का। अब उसके बाद दोस्तों जो है दूसरा चीज, जब आपके $100 हो जाएं, यानी कि आपके वहीं पर एडसेंस में होम पेज में जब आपके $100 ऐड हो जाएंगे, अक्सर होता क्या है कि एंड्रॉयड ऐप और वेबसाइट का जो है, जो कि फुली अप्रूव एडसेंस के रहते हैं अर्निंग्स, वो 1 तारीख को ही आपके एडसेंस अकाउंट में ऐड हो जाते हैं। लेकिन यूट्यूब की जो अर्निंग होती है वो होती है अगले महीने के 10 से 15 तारीख के बीच में। अब एक बार जहां आपके $100 हो जाते हैं टोटल, तो आपको 21 तारीख को जो है एडसेंस के थ्रू से एक मेल आ जाता है आपके मेल बॉक्स में। तो दोस्तों आपने देखा होगा इसके पहले जितने भी वीडियो वहां पर जो भी मेल दिखाते हैं वो वहां पर 21 तारीख दिखा रहता है, लेकिन यहां पर एक कन्फ्यूज़न है, और वो कन्फ्यूज़न ये है कि ज़रूरी नहीं है आपको 21 तारीख को जो है गूगल एडसेंस की तरफ से मेल आ जाए। वहां से 21 तारीख को मेल जो है सेंड कर दिया जाता है कि आपका पेमेंट जो है यहां से भेज दिया गया है आपके बैंक में। लेकिन यहां पर दोस्तों आपको एक चीज पता होगा, आप अगर वर्ल्ड क्लॉक में जाकर देखेंगे तो यहां पर 21 तारीख के जब रात को 11 बज रहे होते हैं, तो अमेरिका में वहां पर 21 तारीख के दिन के जो है ना सवेरे के 10 बज रहे होते हैं, यानी कि जब यहाँ पे 21 तारीख खत्म होने वाला होता है, आधी रात हो गई रहती है, उसके बाद वहां पर जो है ऑफिसेस ओपन होती हैं, ऑफिस खोलते हैं। तो आपके मन में ये आया होगा कि 21 तारीख हो गया रात को, अब 11-12 बजने को आ गया, लेकिन अभी तक मेल नहीं आया गूगल एडसेंस के तरह से। तो उधर से देखिए आपको जो है ना यहाँ पर 21 तारीख के देर रात को, यानी कि 12 बजे के बाद जब 22 तारीख लग जाएगा तब आ सकता है, या तो फिर 22 तारीख के दिन में आ सकता है। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, वो 22 तारीख को किसी न किसी हालत में जरूर भेज देगा आपके यहाँ पर, इंडिया की बात करूँ तो। वैसे अमेरिका में 21 तारीख से ही वहाँ पर सेंड कर दिया जाता है, लेकिन जो है वहाँ के और यहाँ के टाइम में और डेट में फर्क होता है, तो ये चीज पहला चीज ध्यान रखिए। तो दोस्तों देखिए, ये जो अक्टूबर 22 तारीख को मेरे पास जो मेल आया था वो यहाँ पर है, 21 तारीख को मेरे पास नहीं आया था, मेरे पास आया था 22 तारीख को ये, और वहाँ से 21 तारीख को भेज दिया गया था, लेकिन मेरे यहाँ पर 22 तारीख को आया दोपहर को 11:35 पे। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से आपके पास मेल आ जाएगा, चेक योर रिसेंट पेमेंट, वी सेंड अ पेमेंट फॉर योर गूगल एडसेंस अर्निंग ऑन October 21, 2017। तो इस तरीके से आप जब भी मेल देखेंगे तो आपको लगता होगा कि 21 तारीख को मेल आ ही जाता है, जबकि ऐसा होता नहीं है अक्सर। अब यहाँ पर लिखा है इफ़ यू हैव नॉट रिसीव्ड योर पेमेंट विद इन 5 business days फ्रॉम द डेट ऑफ दिस ईमेल, प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर बैंक फॉर मोर डिटेल्स टू चेक योर रिसेंट पेमेंट, साइन इन टू योर एडसेंस अकाउंट। तो आपको एडसेंस अकाउंट में साइन इन करके इसका जो है आप देख सकते हैं रिसीप भी। अब यहाँ पर आपको 5 business day के अंदर बोल रहा है, अगर नहीं आता है इस मेल के आने के बाद तो आप अपने बैंक से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो है 2 से 3 दिन के अंदर आ ही जाता है। अगर ना आए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नहीं तो 15 दिन के बाद आप जो है गूगल एडसेंस से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद दोस्तों आप जहां पे जो है आते हैं, यानी कि जब आपके बैंक में पैसे आ जाते हैं गूगल एडसेंस 21 तारीख को जब भेज देता है, वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में नहीं आता। ऑब्वियसली अगर आपका जो है कोई मेन ब्रांच है, कोई सिटी एरिया में है, बड़ा ब्रांच है जहाँ की खुद की जो है स्विफ्ट कोड होती है, तो वहाँ पर आपको आसानी होगी। लेकिन आपके अगर कहीं लोकल एरिया में है, या तो फिर शहरों में भी होते हुए भी कहीं ऐसे बैंक ब्रांच है जिसका खुद का स्विफ्ट कोड नहीं है,
स्विफ्ट कोड दरअसल ये होता है कि जब आपके विदेश से कोई पैसा आता है डॉलर में तो उसे कन्वर्ट किया जाता है रुपये में, क्योंकि अपने इंडिया में जो है रुपया ही चलता है। तो हम उस बैंक ब्रांच का देते हैं जहाँ पर स्विफ्ट कोड होता है। आप चाहें तो अपने आसपास के किसी भी बैंक का दे सकते हैं, या तो फिर मुंबई चेन्नई जैसे खास सिटी हैं वहाँ के भी किसी बैंक का आप स्विफ्ट कोड दे सकते हैं। तो दोस्तों स्विफ्ट कोड जहाँ का दिए रहेंगे वहाँ पर गूगल एडसेंस पहला पेमेंट भेजता है 21 तारीख को। फिर उस बैंक में जो है जो जो फॉरेक्स ऑफिसर एक होता है जो इस चीज़ का यानी कि सारी चीज़ देखता है, तो वो डॉलर्स को रुपए में कन्वर्ट करके फिर आपके लोकल बैंक ब्रांच में भेजता है, फिर आपके अकाउंट में वो डालता है। तो इस तरीके से जो है आपके बैंक अकाउंट में आता है। अब यहाँ पर गूगल का नियम क्या कहता है, देखिए अगर 21 तारीख को आपका आता है वहाँ से, बीच में संडे और सैटरडे अगर ना आता है, कोई छुट्टी नहीं आ रहा है, तो जो है 5 दिन के अंदर आपके अकाउंट में आ जाना चाहिए। तो 5 दिन के अंदर अगर यानी कि 21, 22, 23, 24, 25, 26 तारीख के अंदर आपके अकाउंट में वो पैसे आ जाने चाहिए। जरूरी नहीं कि 21 तारीख को गूगल ने भेज दिया तो 22 तारीख को आपके अकाउंट में आ जाए। तो 26 तारीख के बीच में अगर नहीं आता है तो सबसे पहले तो आप अपने बैंक अकाउंट में जो है बैंक ब्रांच में जो है कॉन्टैक्ट कीजिए, और बैंक आप जहाँ का अकाउंट नंबर दिए वहाँ से मत कॉन्टैक्ट कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको कोई भी जवाब नहीं मिल पाएगा। आपको कॉन्टैक्ट करना है आप जहाँ का स्विफ्ट कोड दिए हैं वहाँ के बैंक ब्रांच से जो है, आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट कीजिए ताकि आपको जो है बराबर प्रॉपरली बता पाएं। तो उसके बाद एक फॉर्म होता है फीमा फॉर्म, जिसको बताना पड़ता है कि मेरा दरअसल ये किस चीज़ के लिए पैसा आ रहा है। तो आप कभी भी जाकर उसे भर दीजिएगा तो आसानी रहेगा। तो आपको जो है पैसे नहीं आएंगे तो आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कीजिए जहाँ का स्विफ्ट कोड दिए हैं, उसके बाद वो लोग आपको बताएंगे कि क्या वजह है क्या नहीं है। अगर वहाँ से भी आपको बराबर क्लियर नहीं हो पाता है और 15 दिन के अंदर 21 तारीख से लेकर 15 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में फिर भी पैसे नहीं आते हैं, तो फिर आप गूगल एडसेंस को इसके बारे में बता सकते हैं। फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, गूगल एडसेंस इसको खुद जो है ट्रैक करेगा कि कहाँ कहाँ से पैसे भेजे गए हैं और कहाँ तक गया है पैसा और कहाँ पर स्टे होल्ड कर दिया गया है आपके पेमेंट को। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जिन लोगों का ऑब्वियसली पहला पेमेंट आता है मन में जो है शंका रहती है, मेरे को भी पहली बार जब पेमेंट मिला था तो मेल नहीं आया था 21 तारीख की देर रात तक। फिर मेरे को जो है बहुत सारा डाउट होने लगा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारा फ्रॉड है ऐसा वैसा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद जो है धीरे धीरे जब पहला पेमेंट आ जाता है ना, फिर आप निश्चिंत हो जाएंगे। चाहे आपका फिर 26 तारीख को 27 तारीख को आए पेमेंट, हालांकि लेट अक्सर नहीं होता है, आपके 21 तारीख को आने के बाद 2 से 3 दिन के अंदर आ जाता है पेमेंट, तो उसके बाद फिर आप निश्चिंत हो जाएंगे। और गूगल जो है इतना मोस्ट प्रोबेबली जो है एक ट्रस्टेड साइट है जिस पर आपको भरोसा और विश्वास करना ही पड़ेगा, वो आपको कभी भी धोखा नहीं दे सकता। तो दोस्तों इसके बारे में ये था एक जानकारी, आशा रखता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और इस वीडियो के बारे में कोई भी सुझाव और सवाल होंगे तो कमेंट्स में लिखकर जरूर भेजिए।